नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर शबनम आप लोगों के बीच एक बार फिर हाजिर हुई हूँ एक अहम प्रोग्राम के साथ। काश्य कला कस्तूरी का एक अहम प्रोग्राम स्वास्थ्य और हम। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग आज फिर से काश्य कला कस्तूरी के फेसबुक पेज से जुड़ रहे हैं। चूंकि बीच में कोरोना की वजह से इतनी भयावह स्थिति थी और जो कंडीशन था कि मौत, अपने लोग अपनी आंखों से मौत का तांडव देख रहे थे, ऐसी स्थिति में कुछ करने का दिल भी नहीं हो रहा था। और सिर्फ दिल था तो इस बात के लिए तैयार हो रहा था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद पहुंचाई जाए, किस तरह से उनका हेल्प किया जाए, किस तरह से उनको सांत्वना दी जाए, किस तरह से उनकी तकलीफों के भागीदार बने। बस सिर्फ इसी का दिल कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रोग्राम कुछ टाइम तक नहीं चल पाया और अब स्थिति काफी कुछ सुधरी भी है। और भगवान से यही दुआ है कि आगे भी इसी तरह से सब कुछ ठीक चलता रहे और सब कुछ ठीक हो जाए, इस कोरोना से हम लोगों को छुटकारा मिले। आइए, आज का हमारा ये अहम प्रोग्राम स्वास्थ्य और हम में आज एक अहम प्रोग्राम के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। और वो प्रोग्राम है दिल पर। दिल है तो जहान है, दिल है तो दुनिया है, दिल है तो आप सब हैं। और आज हम हृदय रोग विशेषज्ञ, दिल के डॉक्टर यानी हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर श्रीधर द्विवेदी जी से मिलते हैं, जो आप नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ईस्ट ऑफ कैलाश न्यू दिल्ली से लाइव हैं। प्रोफेसर श्रीधर द्विवेदी जी MD, PhD, FRCP लंदन, FIACS कनाडा, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट एंड हेड एकेडमिक एट नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ईस्ट ऑफ कैलाश न्यू दिल्ली। सर, काशी कला कस्तूरी के फेसबुक पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम। नमस्ते, आदाब। मैं काशी कला कस्तूरी के वेब पटल के मंच पर उपस्थित सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं और मैं आपके इस प्रयास की बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं, प्रशंसा करता हूं कि आप ये कोरोना के इस काल में एक वार्ता रखी जिसका मकसद है, जिसका उद्देश्य है सबको कोरोना के विषय में बताना और इस विषय में भी बताना कि कोरोना के कारण हृदय पर क्या प्रभाव होता है। आइए सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि कोरोना है क्या। कोरोना एक प्रकार का छोटा सा विषाणु है, विषाणु विष प्लस अण। इसका मतलब ये बहुत छोटा है, आंखों से नहीं दिखता, उसे केवल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। एक कोशीय होता है, एक कोशिका होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये विषाणु ऐसा विषाणु है जो शरीर के सभी तंत्रों को प्रभावित करता है, शरीर के सभी तंत्रों को प्रभावित करता है। विषाणुगत रोग आपको मालूम है, जैसे इन्फ्लुएंजा एक विषाणुगत रोग है, पुराने जमाने में चेचक एक विषाणुगत रोग है। चेचक से हम लोगों को मुक्ति मिल गई क्योंकि चेचक का टीका लगा, चेचक से मुक्ति मिल गई। और आप सब लोगों को ध्यान होगा, जो मेरी उम्र के बहुत सारे लोग हो, जो पाठक जो श्रोता लोग हैं उनको ये ध्यान होगा कि पहले एक फ्लू की बीमारी होती थी, स्पेनिश फ्लू 1918-1908 में, जिसके प्रकोप से करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई और वो सबसे बड़ी पैंडेमिक थी। उसके करीब 150-200 वर्ष बाद एक नई महाआपदा आई है, जिसको आप महामारी मान सकते हैं, महाआपदा मान सकते हैं, और ये कोरोना नामक विषाणु से के कारण हुई है। ये कोरोना का जो विषाणु है 2019 दिसंबर में वुहान चीन के एक प्रांत में उसको देखा गया था। लोग वहां के जो लोग विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को खाते पीते हैं, वहां से वो चमगादड़ों से उन जीव जंतुओं में गया, उन जीव जंतुओं के मांस से वहां के लोगों में गया, चीन में फैला। एक थ्योरी ये है जो सबसे प्रामाणिक थ्योरी मानी जाती है। फिर उसके बाद चीन से दूसरे देशों में फैला। अब आजकल आपको सबको मालूम है कि इस समय पूरा विश्व एक वैश्विक विलेज है, एक वैश्विक गांव है, कोई आदमी अपने को अकेला नहीं
रख सकता है। इसका कारण यह है कि इतने ज्यादा लोग एयर से हवाई जहाज से आते हैं, भ्रमण करते हैं, और फिर एक बार एक विषाण जो आंखों को दिख नहीं रहा है किसी एक व्यक्ति से आया हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से, दिल्ली से, बॉम्बे से, कहीं से, तो वो या दक्षिण में केरला से, तो वो फिर पूरे देश में फैल गया। तो 2020 में ये शुरू हुआ हमारे यहाँ, 2020 जनवरी में केरल में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया, ये महा आपदा के रूप में आया। लेकिन जो सबसे अच्छी बात हुई कि जब शुरुआत हुई तो उसी समय ऐसे कुछ प्रयास किए गए, जैसे लॉकडाउन सबसे पहले बहुत जल्दी अर्ली लॉकडाउन हो गया, लोगों को बार बार सूचना देती सरकार बताती रही, सामाजिक संगठन बताते रहे भाई इस विषाणु से हमें बचना है, हमको अपने घर के अंदर रहना है, हमें मास्क लगाना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। यह सब करने के कारण जो प्रथम इसकी लहर थी 2019 में, उसके ऊपर बड़े, मैं ये कहूँगा, संतोषपूर्वक काबू पा लिया गया। लेकिन हुआ क्या कि जब लहर समाप्त हो गई तो फिर हम लोग हिंदुस्तानी भारतीयों की ये एक मनोवृत्ति है कि जब मुसीबत टल गई तो चलो भाई मुसीबत टल गई, अब भगवान ने सब भला कर दिया, अब फिर हम अपने पुराने ढर्रे पर वापस आ गए। फिर मास्क न लगाना, भीड़ भाड़ जुटाना, किसी न किसी उत्सव में, भारतवर्ष तो उत्सवों का देश है, माने कोई न किसी न किसी बहाने लोग मिलते हैं, जुलते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो उसमें भीड़ भाड़ हुई, कुछ ढील ढाल हुई। और दूसरी बात यह हुई कि इसी बीच में ये सबसे बहुत बड़ी बात है जिस पर हर भारतीयों को, हर हिंदुस्तान के आदमियों को फक्र होना चाहिए कि दुनिया में जो बहुत ही विकसित लोगों में हमारे वैज्ञानिकों ने भगीरथ प्रयत्न करके, हम भगीरथ प्रयत्न भी कहेंगे, उन्होंने इसका टीका निकाल लिया। और हमारे यहाँ दो, एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन, एक भारत बायोटेक ने उन्होंने कोविशील्ड नामक टीके निकाले। टीकाकरण शुरू हो गया। टीकाकरण के प्रथम चरण में डॉक्टरों को, जो हर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग थे, उनको सम्मिलित किया गया। फिर जो बहुत बुजुर्ग लोग थे उनको सम्मिलित किया गया। ये सब होते होते फिर लोगों में ये अतुत्साह मैं कहूँगा, और या प्रमाद कह लीजिए, फिर लोगों में ये होगा नहीं चलो अब कोरोना चला गया, अब हम लोग फिर तो उसके कारण से इसकी ये द्वितीय लहर आई। ये द्वितीय लहर मार्च 2020 में, मार्च के पहले ही, जो 2020 के 2021 मार्च में द्वितीय लहर आई। और ये जो द्वितीय लहर है, एक ये द्वितीय लहर पुराना में जो हमारा वायरस था, इस वायरस ने अपने को चेंज कर लिया। वायरस भी एक जीवाणु है, जीवाणु जीव है उसमें भी, तो वो भी होशियार है, वो सोचता है कि हम अपने को कैसे सुरक्षित रखें, तो अपने को प्रत्यावर्तित करता रहता है, उसका वो अपने बीजों को परिवर्तित करता रहता है, तो उसके म्यूटेंट स्ट्रेन कह सकते हैं, या आप उसको उपबीज कह सकते हैं। अब अगर बहुत सारे लोगों ने वो दुर्गा सप्तशती में एक पाठ में ये प्रसंग आता है कि जो हिरण्यकश्यप था उसका बीज, उसको रक्त बीज उत्पन्न होके हृदय में, तो देवी को उसको संहार करना पड़ा, तो उसी तरीके से ये वायरस का भी बीज है, वो बीज होता रहा। और म्यूटेंट स्ट्रेन, तो कुछ म्यूटेंट स्ट्रेन के कारण से ये जो दूसरी लहर आई, मुख्यतः ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है, तो उसके कारण ये दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा प्रचंड और भयानक हुई। और उसके उसने अपना जी अपना सर, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी कि एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी मैं कि कोरोना काल में जितनी मौतें हुई हैं, जितने लोग दुनिया से गए, उसमें ज्यादातर ये हुआ कि नहीं इनको कोरोना हुआ था और फिर उसके बाद हार्ट अटैक हो गया, कोरोना हुआ था इसके बाद हार्ट फेल हो गया, तो ये कोरोना का और हार्ट का क्या संबंध है, मैं इस पे आपसे विस्तार से। एक सेकंड में, बहुत अच्छा प्रश्न किया, यही मेरा मुख्य विषय है, लेकिन मैंने कहा पहले मैं चीज उसकी प्राथमिक भूमिका बता दूं जिससे लोग समझ लें। यह बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं बस उस पर एक सेकंड में आ रहा हूं। तो ये प्रचंड लहर पहले वाले से ज्यादा भयानक हुई, लोग ज्यादा मरे। अब तक हमारे देश में 200 करीब 3 करोड़ लोगों को कोरोना हो चुका है, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है, उसमें से 2.5 करोड़ लोग ठीक हो गए। ये सबसे अच्छी बात है, 2.5 करोड़ लोग ठीक हो गए। और इसी तरीके से करीब
हमारे यहाँ तो भी बहुत दुख की बात है, क्योंकि एक परिवार में एक भी व्यक्ति की मृत्यु होती तो परिवार का तो बहुत दुखद है। करीब 3 लाख लोग मरे हैं, जिसमें आजकल जो पिछले 24 घंटे में 3,450 लोग मरे। लेकिन जब हम विश्व के आंकड़ों का आकलन करते हैं और समृद्ध देशों को, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, इन दो यूरोपीय देशों से जब इसकी तुलनात्मक करते हैं, तो हमारे यहाँ का अच्छे होने की दर बहुत अच्छी है, मृत्यु दर कम है। हालांकि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी कोई मृत्यु किसी। अब ये जो आपने प्रश्न उठाया है बहुत अच्छा प्रश्न है कि कोरोना के कारण में लोग ये कहते हैं कि जिसकी मृत्यु होती भाई उसको हार्ट अटैक हो गया या ब्रेन अटैक हो गया या कहीं और अटैक हो गया, ये लोगों का विश्वास है और ये बहुत अर्थों में सत्य है। कोरोना जो विषाणु, अच्छा कोरोना के जो रोग होता है उसको हम लोग कोविड कहते हैं, उस विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसकी डिफिनेशन दी, उसका नाम दिया है, नामकरण दिया है कोविड, कोविड कोरोना इंड्यूस्ड डिजीजेस। तो कोविड से जो मरने वालों में हृदय रोगियों की संख्या बहुत होती है, उसका कारण क्या है? उसके 5 मुख्य कारण है। कोरोना का जो वायरस है ये शरीर के सभी तंत्रों को प्रभावित करता है, सभी तंत्रों को, मुख्यतः यह नाक से या मुंह से शुरू होकर श्वसन रोग में जाता है, श्वसन पथ में जाता है, फेफड़ों में जाता है, जहां लेकिन फेफड़ों में गए तो फिर उसके बाद रक्त का वहां एक्सचेंज होता है, संचरण, रक्त का ऑक्सीजनेशन होता है, वहां से वो फिर हार्ट में पहुंच जाता है, तो हार्ट के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है, तो ये सभी शरीर के सभी तंत्रों को प्रभावित करता है, लेकिन हार्ट को विशेष प्रभावित है। और हार्ट को 5 तरीकों से ये प्रभावित करता है, 5 तरीके हैं उसके। सबसे बड़ी बात है, जिसको हार्ट की बीमारी हो तो उसको कोरोना अधिक होता है। हार्ट की बीमारी स्वयं ने कोरोना प्राप्त कोरोना विषाणु को आकर्षित करने के लिए एक जोखिम तत्व है। दूसरी बात, जिनको कोरोना होता है उनमें हार्ट को प्रभाव, हार्ट दुष्प्रभावित होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, ये देखी गई करीब 20% लोगों में। अभी मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल प्रतिशत भी बताऊंगा। और एक बात, कोरोना स्वयं में हार्ट की बीमारी कर सकता है, कोरोना विषाणु जो है वो स्वयं में हार्ट की बीमारी कर सकता है, तीसरा ये करता है। चौथा ये भी करता है कि हाँ, कोरोना के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं वो दवाइयां अंत में थोड़े दिनों के बाद हृदय के ऊपर प्रभाव डालती है, दुष्प्रभाव डालती है। पांचवा कारण ये भी हो सकता है, कोरोना हो गया, हार्ट पर जो बीमारी हुई वो बीमारी हुई थोड़े दिनों के बाद, थोड़े अंतराल के बाद वो हार्ट के ऊपर दूरगामी प्रभाव पड़ जाता है, उसके हार्ट के मसल्स के ऊपर, उसको हृदय पेशी विकृति कहते हैं, कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो इस तरीके से 5 तरीके से हार्ट को वो किया। अब प्रश्न यह है, जिसको हार्ट की बीमारी है और उसको अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोरोना हो गया, तो ऐसे लोगों को अगर सामान्यतः मुझे हार्ट की बीमारी नहीं है, सपनम जी को हार्ट की बीमारी नहीं है, खुदा ना खास्ता हो गए, तो 97% 98% 99% संभावना यह है कि हम लोग ठीक हो जाएंगे, ठीक होकर घर आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी कारण से हमें हार्ट की बीमारी है या किसी को भी एक्सपायर्ड हार्ट की बीमारी है, तो 17% उन लोगों में जो मृत्यु दर है वो देखी गई है कि 17%। सवाल यह है कि 17% मृत्यु दर क्यों है? अच्छा, इसी तरीके से डायबिटीज एक और बीमारी है, डायबिटीज भी ऐसी बीमारी है कि अगर डायबिटिक वाले मरीज को कोरोना की बीमारी हो गई तो उसमें भी मृत्यु दर करीब 9% है, उसमें भी मृत्यु दर 9 से 10%। इसका माने अगर 100 डायबिटीज के मरीजों को अगर कोरोना हुआ तो उसमें 9 से 10% लोग नहीं बच पाएंगे, कितना भी अच्छा हो, क्योंकि डायबिटीज स्वयं में अपने में अच्छे है। तो ये चीज आपको ध्यान करनी थी। लेकिन ऐसा होता क्यों है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोरोना के मरीजों को हार्ट अटैक क्यों होता है? सबसे बड़ा बड़ा विषम प्रश्न है। होता यह है कि जब भी कोरोना विषाणु है, हमारे शरीर के अंदर कुछ प्रतिरोधी शक्तियां हैं, वो हमेशा ये चाहती कि ये विषाणु आया, विषाणु तो शरीर का नॉर्मल अंग नहीं है, वो नॉर्मल मेहमान नहीं है, वो बहुत ही खराब मेहमान है, मेहमान का हम स्वागत करते हैं क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत खराब मेहमान है, तो उसको ये शरीर की प्रतिरोधी शक्तियां उसको ओवर पावर करना चाहती है, उसको हटाना चाहती है, तो उसके लिए
साइटोकाइन उपयोग किया जाता है, जो शरीर को के अंदर जो दाह करने वाली जो विषाणु है, दाह करने वाले चाहे विषाणु हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे आजकल म्यूकोरमाइकोसिस, अभी कवक जो फंगस जिसको हम लोग भुकड़ी कहते हैं या फफूंदी कहते हैं, या तो एक तरीके का शरीर की जो कुछ साइटोकाइंस लिबरेट होती है, तो साइटोकाइन का स्टार्म आ जाता है शरीर के अंदर, उसको हम लोग साइटोकाइन स्टार्म कहते हैं चिकित्सा के बारे में। साइटोकाइन स्टार्म के कुछ फायदे हैं लेकिन नुकसान बहुत है। जब भी ये साइटोकाइन स्टार्म होता है तो शरीर के अंदर कुछ ऐसी विकृतियां पैदा हो जाती हैं जिसके कारण से थक्के जमने की प्रवृत्ति, छोटी छोटी नलिकाओं में हार्ट की नलिका, हार्ट को खून मिलता है और खून जो मिलता है वो तीन नलिकाओं से मिलता है, तीन धमनियां होती हैं जिनसे ये खून मिलता है। अगर इन धमनियों के अंदर थक्का जम गया तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो यही चीज होती है, जब भी किसी व्यक्ति को कोरोना होता है और उसके अंदर हार्ट की बीमारी है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, चाहे वो डायबिटीज की बीमारी हो, या चाहे हार्ट की पहले से बीमारी हो, तो उसमें ये थक्का जमने की प्रवृत्ति बहुत हो जाती है और वो सडनली आदमी को हार्ट अटैक हो सकता है। एक तो ये कारण है जिसके कारण ये हो सकता है। इसी तरीके से कभी कभी ये भी हो सकता है कि दिमाग के अंदर जो नलियां हैं, जो सूक्ष्म रक्त की नलिकाएं हैं, उन रक्त नलिकाओं में भी अवरोध पैदा हो जाए तो भी ब्रेन अटैक हो जाएगा, आदमी सोते में ही मर जाएगा। मुझे बहुत अच्छी तरीके से दो घटनाएं याद हैं जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं। आप सब लोग देखते होंगे, हमारे मित्र थे, प्रोफेसर थे, बहुत लब्ध प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे, उनको कोरोना बेचारों को हुआ, उनको केवल हार्ट की ज्ञात बीमारियों में केवल हाइपरटेंशन एक था और कुछ नहीं था। हमारी उम्र के ही 74-75 वर्ष की उम्र के थे, बीमारी हुई, दो दिन बाद पता लगी, अस्पताल में भर्ती हुए, आईसीयू में भर्ती हुए, फिर उसके बाद 6 दिन जब भर्ती हो गए उनके पूरे ठीक हो रहे थे, शाम को बोले कि हमको भाई अब घर जाने दो, तुमने पिंजरे में शेर को बांध के रखा है। तो ट्रीटिंग फिजिशियन ने कहा नहीं सर, अभी आप रुक जाइए, आपको हम फिर जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो दूसरे दिन शाम को नाश्ता किया, उन्होंने अच्छा किया, लेकिन रात को 10 बजते उनको सडन हार्ट अटैक हुआ और सवेरे हम लोगों को सूचना मिली कि उनका निधन हो गया है। बहुत आघात हुआ। ये तो एक 75 वर्ष के व्यक्ति की बात है, लेकिन एक नौजवान आदमी, आप लोग सब लोगों ने देखा होगा आज तक में एक प्रोग्राम आता था शाम को 5 बजे रोज दंगल, उसके सूत्रधार होते थे रोहित सरदाना जी, ठीक हो रहे थे और ठीक होने के बाद उनकी इच्छा ये थी कि दो फरवरी को हम जब इलेक्शन महानिर्वाचन का रिजल्ट आएगा बंगाल और पूरे सब पांचों उनका, उस दंगल को मैं आयोजित करूंगा और राजनीतिक दंगल होगा। लेकिन विधि का विधान देखिए, उनको सवेरे 5 बजे हार्ट अटैक हो गया और फिर हार्ट अटैक के बाद वो जाते रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये था, ये दो ऐसे हमारे पास दर्जनों प्रकरण हैं, लेकिन ये दो प्रकरण ये बताते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जो हार्ट अटैक होता है वो साइटोकाइन स्टॉर्म के कारण, जो दिल की नलियों में थ्रोम्बस अवरोध पैदा हो जाता है उसके कारण। अवरोध आप ये भी समझे, अवरोध कहीं का भी हो, आप सड़क पर जा रहे हैं, जाम लग गया, घंटों आप पड़े रहेंगे, कभी कभी तो आप अपने निश्चित गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, यही हार्ट की नली का अवरोध होता है कि हार्ट की जो मुख्य नली है उस नली में अवरोध हो गया तो हार्ट को खून नहीं मिला, हार्ट अटैक हो गया। तो इस तरीके का एक तो ये हुआ, दूसरी बात यह है कि कैसे मृत्यु हो सकती। तीसरा ये भी देखा गया है जिन लोगों को कोरोना होता है उसमें करीब कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो शॉक में स्तब्ध, हार्ट में स्तब्धता आ जाती है और हार्ट में स्तब्धता स्वयं के कारण आ सकती है और हार्ट और एक स्तब्धता होती है कि इतनी टॉक्सीमिया है, इतनी विषाणु की, वो विषाणु की इतनी विषमयता है, आप समझ लीजिए पूरे शरीर में इतनी विषमयता है कि पूरा शरीर में पूतिगत स्तब्धता हो जाती है, सब स्टैंड स्टिल, कुछ नहीं, जिसको आप कहते हैं हार्ट फेल हो गया। तो एक तो ये कारण हुआ हार्ट फेल का। चौथा
एक और कारण हो सकता है कि आदमी की सदन मृत्यु हो जाए, उसमें होता यह कि जैसे एक तो खून, अच्छा खून, साफ खून, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने वाली आर्टरीज है, जैसे हार्ट को है, दिमाग को है, या शरीर को है, हाथ को है। दूसरा होते वेन्स होते हैं जो शरीर खून वापस ले जाती हैं हार्ट को, हार्ट की तरफ, अशुद्ध खून को हार्ट की तरफ। अगर मान लीजिए उसमें हो गई, उसमें रुकावट हो गई, तो अब क्या होगा? वो छोटे छोटे जो थक्के हैं शिराएं उसको ले जाती हैं, उसके बाद वो हार्ट के दाहिने चैम्बर में, उसको दाहिना अलिंद बोलते हैं, वहां से जाकर महाशिराओं, शिराओं, शिराओं से महाशिराओं, महाशिराओं से अलिंद, अलिंद से दाहिने अलिंद में, दाहिने अलिंद के बाद दाहिने नीलय में, राइट वेंट्रिकल में, और वहां से वो लंग की आर्टरी में भेजी जाती है, पल्मोनरी आर्टरी में, जिसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं। तो वो फुफ्फुस धमनी को ब्लॉक कर देती है। तो जब फुफ्फुस धमनी ब्लॉक हो गई, तब भी आदमी मर सकता है, प्राणांत हो सकता है। तो ये पांच चीजें हैं, पांच ऐसी दशाएं हैं जिसमें आदमी की सडन मृत्यु हो जाती है, और उसका कारण यही है कि सडन साइटोकाइन स्टॉर्म। तो ये सबसे मुख्य कारण है जो उसके कारण होते हैं। अच्छा, एक कारण और, एक चीज और समझने की जरूरत है। हम लोग जो अब दूसरी लहर भी अब समाप्त होने के, उसका शीर्ष पहुंच चुका है, अब वो नीचे के ऊपर आ रही है, लेकिन एक तीसरी लहर की संभावना भी व्यक्त की जा रही है, और लोग अक्सर टीवी पर ये बहुत डिस्कशन होता है, विद्वानों में बहुत विचार विमर्श हो रहा है कि ये क्या जो तीसरी लहर आएगी, जैसे पहली लहर में वृद्ध लोगों को ज्यादा परेशान किया, दूसरी लहर में नौजवान किशोर, ऐसा मानना है। हालांकि फिगर्स ये नहीं बता रही, फिगर्स अभी भी ये बता रहे हैं कि करीब 12% 20% ज्यादा से ज्यादा नौजवान इन्वॉल्व हुए। अगर 100 लोग कोरोना के हैं तो उसमें 20% ही नौजवान थे, लेकिन चूंकि नौजवान हमारी देश की निधि है, अक्षय निधि है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। इसी तरीके से तीसरी लहर के विषय में विचार हो रहा है, क्या तीसरी लहर बच्चों को आक्रांत करेगी? ये विषय पर विचार हो रहा है, और एक संभावना है। हालांकि बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा संभावना कम है, लेकिन फिर भी हम लोगों को उसकी विचार करना है। तो एक बच्चे कैसे प्रभावित हो सकते हैं कोरोना में? एक रोग होता है जो जापान में देखा गया है, और वो जापान में उस रोग का नाम है कावासाकी हृदय रोग। कावासाकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि बच्चों में उनकी छोटी छोटी आर्टरी में, धमनियों में, कशेरिकाओं में दाह उत्पन्न हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसी तरीके से हार्ट की छोटी छोटी कोशिकाओं में भी दाह उत्पन्न हो सकता है, उसको कावासाकी डिजीज कहते हैं। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि बड़ों, कभी कभी बड़ों में भी देखी जा सकती, कि इस तरह की कावासाकी महामारी बच्चों में ना उत्पन्न हो जाए। ये दूर की बात है, लेकिन ये एक संभावना और व्यक्त की जा रही है। तो हार्ट इस तरीके से प्रभावित हो सकता है, हार्ट एक तरीके से और प्रभावित हो सकता है। हार्ट में कोरोना में कुछ आपने सुना होगा, कुछ वायरल प्रतिरोधी दवाइयां हैं, जैसे लोपिनाविर करके एक दवाई है, लोपिनाविर। तो लोपिनाविर के बारे में ये बताया गया है कि लोपिनाविर अगर दिए जाने से, और रेमसिडिविर का भी आप लोगों ने नाम सुना, क्योंकि जब भी दूरदर्शन पर या टेलीविजन पर कोई चीज आ जाती है तो जनता में एक सामान्य उत्साह, सामान्य जिज्ञासा हो जाती है कि काश ये मिल जाते तो हमारे ये मरीज बच सकता था। अभी उनकी उपादेयता पर भी प्रश्न चिन्ह है, उनकी उपादेयता पर, 100% उपादेयता पर अभी प्रश्न चिन्ह है। लेकिन ये देखा गया कि जिनको लोपिनाविर दिया गया है, उनको बाद में हाइपरटेंशन हो सकता है। तो एक तो ये लोपिनाविर के बारे में। एक और दवा जो हम लोग यूज करते हैं, जो नई दवा है, जो मॉलिक्यूलर एंटीबॉडीज के ऊपर बेस्ड है, टोसिलाजुमैब। ये भी जब देखे दिया गया है, तो इसमें भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को टोसिलाजुमैब देने वालों को हाइपरटेंशन हो सकता है, जैसे लोपिनाविर के कारण एबी ब्लॉक भी हो सकते हैं। एबी ब्लॉक का मतलब ये है, हार्ट के अंदर एक बहुत अच्छा टेली कम्युनिकेशन प्रणाली है। अगर आप हार्ट का ऊपरी हिस्सा है, निचले हिस्से तक एक टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं,
और वो जो कंडक्शन होता है वो पहले अलिंद से चल के फिर अलिंद और निलय के बीच में उसके नोड पर संधि में, फिर उसके बाद निलय में जाता है, बाएं और दाएं में निलय में, तो वो उसमें ब्लॉक कर देता है लोकनाम, उस संचरण, वो जो टेलीकम्युनिकेशन हमारा संचरण केंद्र है उसमें वो ब्लॉक नहीं कर सकता है। इसी तरीके से आपने सुना होगा कि इसके में जब भी कोरोना का संक्रमण हुआ, कोरोना होते ही बहुत सारे लोग सामान्य कोरोना में भी तुरंत एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं, और एजिथ्रोमाइसिन डाइमाइसिन एंटीबायोटिक का जो सबसे बड़ा दुर्गुण है वो ईसीजी में क्यों, वो भी संचरण जो हमारा संचरण संवहन हो रहा है उसमें क्यूटी इंटरवल को वो प्रोलॉन्ग कर देता है, ये उसका दूरगामी दोष है। इसीलिए जब भी माने कोरोना काल में किसी को एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है तो लोग कहते हैं कि आप इसको ईसीजी से मॉनिटर करते रहिए, तो ये एक ये बात है जो दवाई देनी पड़े। सर, अच्छा सर, एक और सवाल इसी जो आप बोल रहे हैं इसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जिसको, जैसे आपने कहा कि जिसको हार्ट है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको कोरोना अफेक्टेड करेगा, अफेक्टेड डालेगा, और या कोरोना अगर जिसको हो गया उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी जैसा कि आपने अभी कहा, लेकिन सर जिसको वो कोरोना से बच गया, वो बंदा कोरोना से बच गया उसको हुआ, तो बाद में वो क्या प्रिकॉशन ले कि हार्ट की प्रॉब्लम से वो बचा रहे, क्या उसको करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। एक सामान्य व्यक्ति जिसको कोरोना हुआ, चाहे माइल्ड हुआ, चाहे मॉडरेट हुआ, चाहे सीवियर, हाँ वो ठीक होकर अपने घर आ गया, तो ऐसे व्यक्ति को मैंने ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को 3-4 महीने के बाद कोरोना के कारण हृदय की मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है, उसको हम लोग हृदयपेशी विकृत कहते हैं, कार्डियोमायोपैथी, 6-4 महीने बाद या साल भर के अंदर, क्योंकि कोरोना तो अभी नया रोग है, 2019 दिसंबर में आया, अभी तो इस विषय में स्टडीज हुई है, तब एक तो विकृति हो सकती है, दूसरा और क्या था, अकालता हो सकती है। कोरोना देखिए हृदय जो है ना का जो स्पंदन है उसमें ताल है, उसमें मधुरता है, तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है अलिंद, नीचे का हिस्सा मिला है, इन दोनों के बीच में बड़ा समन्वय है, बड़ा ताल है, आप समझ लीजिए अच्छे से अच्छा मृदंग बजाने वाला, तबला बजाने वाला भी जो ताल नहीं स्थापित कर सकता वो ताल हृदय के अंदर है, हमारे आपके सबके हृदय के अंदर है, और वो ताल बनी रहनी चाहिए, लेकिन वो ताल बिगड़ जाती है, वो ताल कोरोना से पीड़ित कुछ लोगों में ताल बिगड़ सकती है, तो उसका उपाय क्या है, उसका प्रिकॉशन क्या है, उसका प्रिकॉशन ये है कि आप 3 महीने के बाद चाहे आपको पहले हृदय रोग था या नहीं था, या आप कोरोना से हैं और हृदय रोग था, आप 3 महीने के बाद अपना पुनः ईसीजी कराइए, और ईसीजी या अगर आपको कोई तकलीफ मालूम होती, बहुत सारे लोगों को कमजोरी मालूम होती, बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं चक्कर आने लगता है, तो आप अपना इकोकार्डियोग्राम कराइए, इकोकार्डियोग्राम में आपको पता लग जाएगा कि हृदय की मांसपेशियां कैसी काम कर रही है, और ये ताल जो है अलिंद और निलय के बीच में ये जो ताल है, ये ताल का समन्वय है कि नहीं, तो आपको इसको कार्डियोग्राफी कराने बाद। इसी से संबंधित आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मेरे एक मरीज है, वो क्या कहते हैं परसों की बात है, 35 वर्ष की अवस्था है, उनको हार्ट का कोई रोग नहीं था, लेकिन 35 वर्ष कोरोना से पीड़ित हुए, भाई कोरोना से पीड़ित हुए, पीड़ित होकर घर पर आ गए, ठीक हो गए, फिर उन्होंने क्या किया कि थोड़ा शरीर से भारी थे, दोहरा वजन था, उन्होंने एकदम से 2 घंटे लगातार एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए, और लगातार एक्सरसाइज करने के बाद तो मैं चली थी, उनका थोड़ा शुगर भी कम हुआ, थोड़ा ब्लड प्रेशर भी कम हुआ, लेकिन उनको कमजोरी बहुत मानी पड़ी, तो कहने लगे कि सर हमको ये कमजोरी बहुत मानी पड़ी, हमने कहा आपको लगातार एक्सरसाइज भी करनी चाहिए थी, कोरोना से पीड़ित होने के बाद आप ठीक हो गए, तो आप अभी आराम करिए 1 महीने 2 महीने, फिर उसके बाद धीरे धीरे, अभी तो वैसे भी बाहर निकल नहीं है, एज ऑन टूडे दिल्ली या कहीं भी जहाँ जहाँ बात काम लगना है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, जो भी लोग ठीक हो जाए, जो ठीक न, हमारे जैसे स्वस्थ लोग, आप जैसे
प्रथमा सब लोगों के लिए एडवाइजरी हो, जब तक नितांत जरूरी ना हो तब तक घर के बाहर मत जाइए, कम से कम 60 वर्ष के ऊपर जो युवा लोग हैं जिनको काम कर रहे हैं तो जब जाएंगे तो मास्क लगाएंगे, दूरी का पालन करेंगे और हाथ की शुद्धता, जब भी कोई चीज ऐसा हो तो उसका साबुन से धोएंगे। और जो शर्मा जी यहाँ पर आपने बड़ा अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पूछा जा रहा था कि भाई कोरोना से बचा कैसे, कोरोना हमें हो ही नहीं, ऐसा कुछ बताइए, ये प्रश्न होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो ये बैकग्राउंड में चला गया है, लेकिन बहुत आवश्यक है हम सब लोगों को कम से कम साल भर तक, आज के साल भर तक मास्क का धारण करना बहुत आवश्यक है। अब वो भी मास्क क्या, वो सुमास्क होना चाहिए। सुमास्क से मेरा आशय है कि नाक से ढकता हुआ मुंह को ढकता हुआ मुंह, ये सुमास्क है। आपने मास्क तो लिया है लेकिन मास्क थोड़ी से लटक रहा है, मास्क के नीचे से लटक रहा है, तो वो तो कुमास्क हो गया, वो सुमास्क नहीं है। या आप बेमास्क हैं वो भी ठीक नहीं है, कुमास्क ठीक नहीं ना बेमास्क ठीक है, सुमास्क सुमास्क धारण करना नंबर वन। नंबर दूसरा नमस्ते, आप किसी से नहीं मिलाना है कोई भी, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है कि हमारे सामने वाला जो दूसरा व्यक्ति है वो प्रकट रूप में या प्रकट रूप में प्रच्छन्न रूप में उसको कोरोना है, और हम उसके विषाणु को अपने हाथों से विषाणु चीज ला रहे हैं या मुझे तो उसको दे रहे हैं। तीसरा भीड़ भाड़ से नमस्ते, हमको भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। और फिर उसके बाद वैक्सीन की बात भी थोड़ी में करेंगे, पहले सन्नम जी का प्रश्न जी। हाँ सर, एक चीज और, मैं भी अब मास्क की बात कर रहे थे, जैसे कुछ लोग हैं जैसे घर में भी भाई भीड़ भाड़ के में और बाहर वगैरह जा रहे हैं तो मास्क लगाना जरूरी है, लगाना चाहिए। कुछ लोग हैं जो घर में भी लगाते हैं, इवन मुझे लगता है सिर्फ सोते वक्त ही वो नहीं लगाते होंगे, वरना कुछ लोग तो वो भी डर के मुंह बंद किए होते हैं इस तरह से। तो 24 घंटे नहीं तो 18 घंटे 20 घंटे या 15-16 घंटे जो भी मास्क लगा हुआ है, तो क्या इसका कोई एक कोई साइड इफेक्ट भी है कि हम उसी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वही फिर हम इनहेल कर रहे हैं, तो क्या ये भी कुछ हमारे हार्ट पे, हमारे लंग्स पे, हमारे पूरे सिस्टम पे कुछ असर इसका है? और या हम घर में आप आपके जरिए मैं अगर कुछ इसका असर पड़ रहा है हमारे सिस्टम पे तो आपके जरिए ये भी मैं चाहूंगी कि फिर आप बताएं कि कब हमको मास्क उतार भी देना चाहिए या कब हमको फ्रेश एयर भी लेना चाहिए। तो या ये आपका अच्छा प्रश्न है, और हमारा ख्याल है कि घर में मास्क दो स्थितियों में लगाना जरूरी होती है, जब घर में आपको कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, माइल्ड कोरोना से है, तो आप ऐसे व्यक्ति को ये चाहेंगे आप उसको आइसोलेट अपने घर में कर लेंगे, लेकिन उसकी सेवा शुश्रूषा तो किसी को करनी है ना, तो उस दशा में हर आदमी को मास्क लगाना आवश्यक है अगर घर में कोई आपके व्यक्ति है। या आप ऐसे कॉलोनी में रह रहे हैं, यहाँ लोगों को कोरोना की बीमारियां हैं, आपको संभालना है। दूसरा यह है, आजकल एक ये भी मत आ गया है कि कोरोना पहले तो ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट से होता था, अभी के बात करने से निकल, लेकिन अब वो शायद वायु में फैल गया है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो इसलिए लोगों का ये कहना है। लेकिन ज्यादातर कंसेंसस का ओपिनियन ये है कि घर में आपको कोरोना आपको मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है एज ऑन टूडे, क्योंकि ये साइंस है, ये डायनेमिक्स है, ये चेंज होती जा रही है। लेकिन ज्यादातर तो लोगों का ये कहना कि अगर आपके घर में किसी को कोरोना नहीं है, अगर आपके अगल बगल में निश्चित अगल अगल पड़ोसी को कोरोना नहीं है तो घर में आपको मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मास्क लगाने की खुदा न खास्ता जरूरत पड़ भी गई तो आप एक मास्क को एक ही दिन यूज कर सकते हैं, दूसरे दिन यूज करने के लिए अगर कॉटन का मास्क है तो आपको उसको धो के बकायदा सुखा के तब आपको सोते समय तो मास्क नहीं लगाना चाहिए, ये इस विषय में तो सब लोगों को मालूम है। तो मास्क हर समय, लेकिन उसका हमारे सिस्टम पे अगर जब इस तरह से है तो हमारे सिस्टम पे क्या असर असर पड़ेगा? आप शुद्ध वायु नहीं ले सकेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त वायु नहीं ले सकेंगे, इसलिए जरूरी है कि आप। और दूसरी बात है कि अगर आप एसी वाले वातावरण में हैं तब तो और भी मत लगाइए मास्क घर में, और खिड़कियां आपने सारी खोल के रखी, जितनी आपकी खिड़कियां हो
जितनी खिड़कियां। दूसरा इससे रिलेटेड एक और अच्छा अच्छा सुझाव होगा कि हर आदमी को अपने घर में कम से कम 5-6-10 प्लांट्स ऐसे लगने चाहिए जो आपको ऑक्सीजन देते रहे, क्योंकि तो छोटे से छोटा भी प्लांट होगा, हरित प्लांट, तो वो आपको ऑक्सीजन देगा। और सारी खिड़कियों को खुला रखिए जी। सर ऐसा देखने में आया है कि बहुत लोगों को सांस की प्रॉब्लम भी हो रही है मास्क लगाए लगाए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, उसका कारण यही हो सकता है। हाँ, इसका कारण यही हो सकता है जी। अच्छा, दूसरी बात आपने अच्छी जॉब जो पूछी, जो मैंने हार्ट में जो मैंने बताना चाहिए था, जो हमारे सब आदमी को, जो कोरोना होता है इसके तीन प्रकार है, एक तो माइल्ड है, आया गया चला गया पता भी नहीं लगा, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं लगा। दूसरा ये है मॉडरेट, मॉडरेट कोरोना में जब ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन का स्तर नीचे चला जाता है, 94 के नीचे चला जाता है, तो ये मॉडरेट श्रेणी आता है। ऐसे लोगों को स्पेशली लोग हैं, स्पेशली जिनको डायबिटीज है, स्पेशली जिनको ब्लड प्रेशर हो, स्पेशली जिनको पुराना हाथ का अटैक हुआ हो, या कैंसर हो, या बहुत स्थूल बदन के जो लोग हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन हार्ट की जो बीमारी है, हार्ट से जो संबंधित चीजें हैं, वो 2 हफ्ते तक पता नहीं लगती, ये भी मालूम होना चाहिए। 2 हफ्ते तक सब कुछ ठीक चलता रहता है, मालूम ये सामान्यता ये, जैसे तीसरे हफ्ते से उठता या दूसरे हफ्ते से तीसरा हफ्ते लगता, तब वो हार्ट की बीमारी मालूम पड़ती है। और जो हार्ट की बीमारी से मेरा आशय है कि जिनको हृदयाघात होता है या जिनकी सरल क्या डेवलप होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए मैंने आपको दो पेशेंट बताए, फिर मेरे मित्र दोनों सर पत्रकार मित्र का, तो उसका कारण यही था कि 2 हफ्ते तक वो बिल्कुल ठीक है, तीसरे हफ्ते से लगा चाहिए ठीक होना जाने लगे। लेकिन ये अनुभव से ये मालूम पड़ा है कि हार्ट पर्टिकुलरली हार्ट अटैक दूसरे हफ्ते के बाद ज्यादा मालूम पड़ता है। तीसरा, रात में ज्यादा मालूम पड़ता है, अर्धरात्रि के बाद या अर्धरात्रि, उसका कारण यह है कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसी है कि जो शरीर के अंदर खून की नलियों में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो आधी रात के बाद ज्यादा एक्टिव हो जाती है, उनमें थक्का जमने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रवृत्ति हो जाती है आधी रात के बाद, ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रवृत्ति हो जाती है, शुगर बढ़ने की प्रवृत्ति हो जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ एक नियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ स्टाइल में कि आदमी को रात में सोना चाहिए, रात में 10 बजे के बाद जगने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अगर आप जगेंगे तो ये सारी चीजें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, प्लेटलेट्स के खून में जमने की शक्ति, जो अवरोध करने की जो प्रवृत्ति है वो सब बढ़ेगी, वो हार्ट अटैक को जन्म देगी, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, या डायबिटीज को जन्म देगी, या आगे चल के ब्लड प्रेशर को जन्म देगा। तो इसलिए रात में सोना, 10 बजे के बाद या 10:30 बजे के बाद सोना औचित्यपूर्ण है, और फिर सुबह आप अपने समय से उठते हैं जी। तो ये रही बात कोरोना से निपटने के, क्योंकि कोरोना से जो निपटना है, कोरोना से जो बचना है, उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो मास्क है, दूसरा फिजिकल डिस्टेंसिंग, हम लोग आपस में दूरी का पालन करें, तीसरा हाथों को धोना, हमारे यहाँ हाथों का धोना बहुत आवश्यक माना गया है। देखे नमाज के पढ़ने लोग वजू करते हैं, पूरा वजू करते हैं, हाथ धो लेते हैं कि जिससे कोई शरीर में गंदगी न रहे, वो ऊपर वाले को हम आदाब कर रहे हैं या नमाज अदा कर रहे हैं। उसी तरीके से पूजा में, मंदिर में जाने के पहले हाथ पैर धोना, खाने के पहले हाथ पैर धोना, उसका कारण यही था कि हम सब ये विषाणुओं से, जीवाणुओं से हो रहे, तो हाथ पैर, हाथों की शुद्धता, मास्क का धागा, फिजिकल डिस्टेंसिंग, तीसरा है वैक्सीन। वैक्सीन भी सर एक क्वेश्चन आ रहा है, सर सर एक क्वेश्चन है अभी पूछा जा रहा है कि पोस्ट कोरोना हम क्या एहतियात लें, क्या मुझे करना चाहिए, कितने महीने तक एहतियात करना चाहिए, और खासकर अगर कोरोना पेशेंट जो ठीक हो गया है उसकी उम्र 65 से ज्यादा है, तो ऐसे पेशेंट क्या करें, उनको कितना, किस तरह का और कितना एहतियात लेना चाहिए, और बाद में जब ये सब सारी चीजें सबसाइड हो जाएं,
तो उनको किस किस तरह का टेस्ट कराना चाहिए कि हार्ट हमारा इफेक्टेड तो नहीं हुआ है या क्या चीजें हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी 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 बहुत अच्छा प्रश्न है। जिन व्यक्तियों को कोरोना हुआ है आप उनको मोटे तरीके से दो भागों में बांटेंगे, एक तो 65-60 के ऊपर वाले और एक 60 के नीचे वाले। पहले मैं 60 के ऊपर वाले देखूंगा। जिन व्यक्तियों को कोरोना हो चुका है वो कम से कम 1-2 महीने को आराम करें, उनको बहुत किसी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, अपने साधारण उसमें जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, लेकिन घूमने के भी पहले चिंता करते हैं तो उसको आधा कर दें और बैठ के कहीं भी आराम करें और लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लें, तो आराम ये इस तरीके का आराम जरूरी है। किसी तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज करना उनके लिए ठीक नहीं है, नंबर वन। नंबर दो, वो मास्क जरूर लगाएं। जैसे मैंने ये सबके लिए कहा, मास्क को आप साल भर तक हर आदमी को लगाना है, चाहे वो 60 के ऊपर हो 60 के नीचे हो, उसको वैक्सीन लगी हो ना लगी हो, वैक्सीन तो लगवाना ही है 60 के ऊपर वालों को कोरोना से बचने के लिए, वैक्सीन तो लगवाना ही है, लेकिन वैक्सीन लगने के बावजूद भी आपको मास्क लगाना है। दो, तीसरा आपका खान पान अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया शबनम जी, जो छूट गया था। खान पान में जो सबसे बड़ी बात है, किसी तरीके की तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, उसको नहीं लेना है। आप सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, आप बाद में अभी पढ़ेंगे, कल की घटना है, कल की घटना है, आगरा के पास के नेत्र चिकित्सक, 40 वर्ष के नेत्र चिकित्सक, वो क्या कर रहे थे, क्लिनिक खत्म करने के बाद सैनिटाइजर को वो पलट रहे थे, सैनिटाइजर पलटने के दौरान वो सिगरेट भी पी रहे थे। क्या हुआ, सिगरेट का और सैनिटाइजर के संयोग से उनको कपड़े में आग लग गई, झुलस कर उनकी मौत हो गई। ये तो एक प्रत्यक्ष घटना है, या कल ये डॉक्टर की घटना है 44 वर्ष की। तो कहने का मतलब है कि सिगरेट अगर किसी आदमी को जला सकती है, तो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू ये शरीर के अंदर जब जाती है ना तो ये जलाती है, इसका काम ही जलाना है, इसमें कोई शक नहीं। और तो केमिकल से जलाती है जो आप देख नहीं पा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे साइटोकाइन स्टॉर्म कोरोना विषाणु के कारण हुआ है। बिलीव मी, विश्वास करिए, किसी तरीके का साइटोकाइन स्टॉर्म पेट के अंदर जब आप सिगरेट या बीड़ी पीते हैं तो होता है, लेकिन वो धीरे धीरे होता है, तो उसका प्रभाव बहुत दिनों के बाद मालूम पड़ता है। तो किसी तरीके की तंबाकू, किसी तरीके का बीड़ी, किसी तरीके का सिगरेट बिल्कुल नहीं पीना है, ये लाइफ स्टाइल है पहला। दूसरा, आप लाइफ एक और कार्यक्रम ऐड कर लीजिए, गहरी सांस लेना, गहरी सांस निकालना, जिसको आप प्राणायाम कर सकते हैं, उससे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाएगी। ये 60 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि कोरोना के आक्रमण के बाद, कोरोना संक्रमण के बाद लोगों के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, जिनकी ट्यूबरकुलोसिस पहले थी वो ट्यूबरकुलोसिस एक्टिव हो जाती है। तो ऐसे लोगों को ये जरूरी है कि वो थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। और एक चीज और अपने कार्यक्रम में करने, गरारा कर लो, नमक के गर्म पानी का गरारा करने, क्योंकि तो कोरोना का वायरस है ये नाक के माध्यम से गले में जाता है, तो उसको हमेशा के लिए मान लीजिए उसको कुछ सुषुप्त बीज हो भी तो गरारा करेंगे गर्म पानी, तो उसका नाश हो जाएगा। और भोजन में हरी सब्जियां, फल, विटामिन सी का सेवन ज्यादा करें। 3 महीने के बाद अगर आपको जरा सा भी संदेह है तो अपने फिजिशियन से मिलिए या कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपका एक ईसीजी कर देगा, और ईसीजी में जरा ऐसा भी संदेह होगा तो वो एक कार्डियोग्राफी करेगा। जिन लोगों को 60 वर्ष के, वो लोग जिनको हार्ट की बीमारी है पहले से ही, मैं हार्ट की बीमारी कहता हूँ तो उसके 3 आशय हैं, एक तो ब्लड प्रेशर, दूसरा हृदयाघात यानी हार्ट अटैक, तीसरा डायबिटीज। डायबिटीज को हार्ट की बीमारी है, एक ही सिक्के से दो पहलू तो है। तो आप 3 महीने के बाद अपने फिजिशियन से जरूर मिलिए, काइंडली चेक करा लीजिए कि आप कैसी भी ठीक है, अगर वो उचित समझेगा तो इनको कार्डियोग्राफी करेगा। अगर मान लीजिए उसको जरा सा भी हुआ कि हृदय फेल्योर के थोड़े से, हृदय की कमजोरी के थोड़े से भी टाइम है, तो उसकी औषधियाँ होती हैं,
तो औषधियों से आपका इलाज हो सकता है और आप ठीक हो सकते हैं। 30% से जो कम लोग हैं वो 60 से कम है, 35-40 के, उनसे भी निवेदन यही है कि वो भी जब ऑफिस में जाए कहीं जाए मास्क जरूर लगाएं। और मास्क का जो मैंने आपको बताया कि नाक और मुंह दोनों ढकना है, क्योंकि नाक से भी वायरस जाता है मुंह से भी वायरस जाता है, तो दोनों को ढकना हो तब आप वो मास्क है तब आप बचे रहेंगे। दूसरा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन ये है। सर एक क्वेश्चन और कि जैसे कि अभी कोरोना में जिनको कोरोना हुआ और वो ज्यादा अफेक्टेड हुए इससे, तो कहा जाता है जब सीटी स्कैन होता है तो उसमें आता है कि ये 40% लंग्स अफेक्टेड है, 30% है, 70% है समथिंग, है ना। तो वो जो लोग अब 40% है लेकिन वो सर्वाइव कर गए हैं अपने विल पावर, अच्छा विल पावर भी होना बहुत जरूरी है इसमें, तो अपने विल पावर से जो सर्वाइव कर गए और उनकी तकदीर थी, तो ऐसे लोगों का लंग्स फंक्शनिंग का क्या ये सिस्टम किस तरह से कब ठीक होगा, इसके लिए क्या करना होगा बाद में। भाई कोरोना से तो वो निजात पा गए लेकिन उनके जो 40% 30% 50% जो अफेक्टेड हुए लंग, उस वो किस तरह से अपने पुराने फॉर्म में वो लंग्स आए किस तरह से, और इसके लिए मुझे क्या करना है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, जैसे हार्ट का प्रश्न था वैसे ही लंग का भी प्रश्न है। लंग भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हार्ट और लंग में केवल एक ही फर्क है कि हार्ट बेचारा अकेला है और लंग्स दो हैं, तो प्रकृति ने ऐसा इंतजाम किया है कि अगर एक लंग थोड़ा बहुत 19-20 है भी तो दूसरा लंग उसको उसकी कार्य प्रणाली को ले लेता है, स्वीकार कर लेता है। लेकिन अगर मान लीजिए 30-40% उसकी क्षति हो गई है उस समय और वो कोरोना काल से निकल आया है तो उसके बाद क्या होगा। ये भी देखा गया है कि एक तो हमारे देश में ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा है, तो ट्यूबरक्लोसिस के लोगों की संख्या हमारे देश में ज़्यादा है। एक तो एक उसका चेक करना बहुत जरूरी है कि ट्यूबरक्लोसिस पुनः जागृत तो नहीं हो गई है, पुनः सक्रिय तो हो गई, उसका टेस्ट होता है वो पता लग जाता है। आजकल बहुत अच्छे टेस्ट हैं जिससे पता लग सकता है। अगर ट्यूबरक्लोसिस पुनः जागृत है तो उसका इलाज करना पड़ेगा, उसको पुनः हॉस्पिटल करना पड़ेगा। अगर सॉरी अगर और वो चीज़ें हैं अब बहुत ज़्यादा, तो लंग फंक्शन टेस्ट जैसे हार्ट में हम लोग ECG करते हैं, वैसे लंग फंक्शन टेस्ट होता है 3 महीने के बाद लंग फंक्शन टेस्ट अवश्य करना चाहिए, PFT उसको बोलते हैं। और PFT से हमें मालूम हो जाता है कि लंग की कैपेसिटी की संख्या क्या है। लेकिन उससे बचने के लिए प्राणायाम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको जरूर करना चाहिए, और किसी भी जगह फिर यहाँ पर आपके मास्क काम देगा। जब आप मास्क पहनेंगे तो वातावरण के जो और जीवाणु हैं, वातावरण में वायरस, कोरोना ही एक वायरस नहीं, हमारे देश में तो बहुत ही प्रदूषण है, तो प्रदूषण से भी आप रक्षा करेगा, ये प्रदूषण से रक्षा करेगा। स्पेशली दिल्ली जैसे शहर में, नोएडा जैसे शहर में बहुत प्रदूषित कॉलोनियों में, बस्तियों में, ये आपको ये रक्षा करेगा। तीसरा आपको लंग फंक्शन टेस्ट है, अगर आपके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में 3 महीने के बाद कोई दोष निकला है तो आपके जो फिजिशियन है, चेस्ट फिजिशियन, वो बताएंगे। आजकल HRCT की व्यवस्था है, लेकिन HRCT बिना फिजिशियन के कहलाए आप मत सजेस्ट करिए गुब्बुल महाप्रभु के सजेशन पर कि हमारा एक HRCT करें, क्योंकि एक HRCT 300 एक्सरे के बराबर होता है। ये कोई निरापद जांच नहीं है कि इससे कोई जांच, इस जांच से पैसा तो जो खर्च होता है वो अलग है, ये इसमें दोष भी है, रेडिएशन इफेक्ट उसके होते हैं। इसलिए जब तक साधारण जांच पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट ना हो जाए तब तक आपको ये जांच कराने की जरूरत है। और एक बहुत मामूली सा टेस्ट होता है 6 मिनट्स वॉक, आप अपने घर में 6 मिनट्स वॉक करिए, इंटेंसिव वॉक करिए, वॉक के पहले का ऑक्सीजन स्तर देख लीजिए और वॉक के बाद का ऑक्सीजन स्तर देख लीजिए। अगर आपका ऑक्सीजन स्तर वॉक के बाद भी 96 के ऊपर है तो आपको कुछ करने के लिए, इसके माने लंग्स आपके कुदरत ने आपने कोरोना से भी निजात दिला दी है और इससे भी निजात दिला दी है। और हेल्दी लाइफस्टाइल, फिर मैं कहूंगा कि बहुत आवश्यक है किसी तरीके की तंबाकू, किसी तरीके के बीड़ी, किसी तरीके का सिगरेट, आजकल ई सिगरेट का प्रचलन है, ये बच्चे उसमें होटल वगैरह में जाके महंगी फीस दे के, महंगा चार्ज दे के वो हुक्का, ई हुक्का करते हैं, वो इस सबसे बिल्कुल आपको बचना है। स्पेशली जो 30 वर्ष से 30
30 वर्ष के आसपास के लोग हैं। तो हमारे ख्याल से हमने आपको कोरोना के विषय में जो जिज्ञासा है उसके बहुत जी बहुत कुछ आपने बताया और बहुत सी बातों की जानकारी हुई जो अभी तक हम लोगों को नहीं भी मालूम थी, वो सब सारी चीजें और आफ्टर पोस्ट कोरोना भी हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, उन सब बातों को भी आपने बताया। सर एक बात ये भी पूछना मैं चाहूंगी कि कैसे कब हम लोग घर में जैसे क्या प्रिकॉशन ले, अगर बाद में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे कैसे मालूम सांस फूल रही है या चक्कर आ रहा है, कभी कभी चक्कर और सांस भी नहीं फूलती है और ना चक्कर आता है लेकिन बावजूद इसके वो कोलैप्स हो जाते हैं, या तो वो क्या हार्ट की ही प्रॉब्लम होती है, तो उस वक्त हम लोग क्या घर में जो फर्स्ट एड क्या ले, उसके बाद का ही हॉस्पिटल का होता है जिससे वो मरीज उतनी देर तक हॉस्पिटल जाने तक बेहतर रह सके। ये आपने अच्छा प्रश्न किया। पहली बात तो ये है कि प्राय ऐसा जो होता है वो बुजुर्ग लोगों में होता है, प्राय बुजुर्ग लोगों में जो 55 के ऊपर 55। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये देखना है कि आपको घर में ये जरूर मालूम होना चाहिए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, उनको डायबिटीज तो नहीं है, उनको हार्ट की बीमारी तो नहीं है, उनको थायराइड रखने की नमस्ते उनको थायराइड की बीमारी तो नहीं है। अगर इनको ये 3-4 बीमारियां जो मुख्य बीमारियां, दूसरा प्रोस्टेट की बीमारी नहीं, तो आपको ये जरूर निश्चित करना है कि ये लोग अपनी ब्लड प्रेशर की गोली, थायराइड की गोली, शुगर की गोली, हार्ट की गोली नियमित रूप से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है ये देखने, क्योंकि होता यह है कि बहुत सारे जो शुगर के रोगी होते हैं 50-55 के ऊपर, वो दवाई तो ले लेते हैं लेकिन नाश्ता समय पर नहीं लेते हैं, खाना नहीं खाते, तो ऐसे लोग चक्कर खाके गिर पड़ते हैं। एक तो ये एक संभावना ये होती, दूसरी संभावना ये भी होती कि किसी को सडन हार्ट अटैक हो जाए। तो लेकिन सडन हार्ट अटैक जब भी किसी को होता है तो थोड़ा समय जरूर देता है, अगर आप थोड़ा सा भी होशियारी सतर्कता रहे। जैसे सडन हार्ट अटैक का जब भी किसी को होता है, आदमी अगर बोल ना भी पावे तो उसका हाथ बाएं हार्ट की तरफ चला जाता है। ऐसा आदमी जब भी बेहोश होकर बीमार होकर गिरेगा, 100 में 90 आदमी का हाथ जो है यहाँ पर होगा। हाथ वो बताता है, क्योंकि आपको जब भी कहीं दर्द होती है ना तो हाथ चला जाता है। कमर में दर्द है तो कमर पर हाथ, लीवर में दर्द हो तो लीवर पर हाथ, गाल बेडर पित्ताशय में दर्द हो तो वहां पर हाथ, पेशाब के रास्ते में दर्द हो तो वहां हाथ पहुंच जाता है। हाथ बताता है, बूंगा आदमी भी हो कैसा भी हो उसका हाथ पहुंच जाता। तो एक ये जो सबसे बड़ी निशानी होती है कि आदमी का हाथ वहां पहुंच गया। दूसरा चेहरा विवर्ण हो जाता है, हार्ट अटैक या किसी तरीके से इस तरीके से चेहरा बिल्कुल विवर्ण हो जाता है। तो अगर किसी का चेहरा, तो आपको मालूम होता है कि हार्ट अटैक। चौथा ये कभी कभी लोग अचानक बहुत देर तक खड़े रहे, वृद्ध लोग, तो उनको वैसोवेगल सिंकोपी कहते हैं। जैसे बच्चे बहुत देर तक धूप में खड़े रहते हैं पिच या परेड में तो गिर पड़ते हैं, तो उसका तो सबसे बड़ी बात है ऐसी जब भी हो, अगर शुगर का मरीज है तो उसको शुगर तुरंत दीजिए। आपके पास ऐसी सुविधा जरूर, जब भी अगर आपके घर में कोई शुगर का रोग है तो शुगर रखिए, ग्लूकोज रखिए, बिस्किट रखिए, वो तो ठीक हो जाएगा शुगर थोड़ा सा। ब्लड प्रेशर का रोगी है एकदम से वो हो गया तो इसके माने दिमाग में कुछ चीज हुई और पता लगेगा। तो ये चीज है। और अगर कोई आदमी गिर गया इस तरीके से, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसको लिटा दीजिए, जहाँ कहीं भी हो सुविधापूर्वक लिटा दीजिए, हाथ पैर उसके जो कपड़े हों ढीले कर दीजिए। और दूसरा अगर उसकी चेतना चल रही है, उसकी सांस चल रही है, तो फिर आप एम्बुलेंस किसी तरीके से किसी साधन से अस्पताल के निकट के साधन को बुलाइए। तो ये आपको करना। अगर उसकी सांस भी नहीं चल रही है तो और कुछ मत करिए, आप उसके मुँह के अपना मुँह ले जाके वो करिए, और एक कोई दूसरा आदमी है जो हाथ को इस तरीके से मालिश करता रहे। तो ये इसके प्रिकॉशंस हैं, साधारण प्रिकॉशन है जो हर आदमी को लेना चाहिए, और इससे हमारा ख्याल है काफी हद तक मदद मिल जाती है। जी सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट अबाउट ऑफ थर्ड स्ट्रीम ऑफ कोरोना, जो थर्ड वेव कोरोना की है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में हम लोगों को बता दीजिए कि क्या है, किस तरह से बच्चों को प्रिकॉशन लें, क्या सिर्फ बच्चों पर ही इफेक्ट डालेगा या बड़ों पर भी, ये क्या है, आप इसको हम लोगों को। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये जब दूसरी लहर आई, ये
दूसरी लहर जो आई तो इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्तित बीज, उपबीज। मुख्य जो बीज था कोरोना का जो वुहान से शुरू हुआ था, शुरुआत वुहान से हुई, चीन से शुरू हुई, तो वुहान से जो हुआ जो मुख्य बीज था ये उसके म्यूटेंट एलाइड है, ये उसके म्यूटेंट एलाइड है, म्यूटेंट स्ट्रेन से उपबीज है। तो ऐसा हुआ कि फिर उसके बाद एक जो सेकेंड लहर हमारे यहाँ, तो सेकेंड लहर मार्च 2021 में है, लेकिन ऑक्सफोर्ड में इंग्लैंड में सेकेंड लहर जो है वो बहुत पहले आ गई थी और जगह पर, तो उसके नाम दिए गए हैं 2-1AAB, 2-1B, 2BB6 आपने सुना होगा। तो ये जो ऑक्सफोर्ड से, तो हुआ ये कि वहाँ के जो लोग, इससे जो पीड़ित लोग थे, नमस्कार अनिल जी, बहुत धन्यवाद। तो इसके, इससे जो पीड़ित लोग थे जब ठीक हो गए तो कुछ लोग उसमें से इंडिया भी आए होंगे, उस समय तो अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन पर कोई प्रतिबंध नहीं था, तो उन लोगों के माध्यम से हमारे यहाँ सेकेंड स्ट्रेन भी जाई है। लेकिन इसका बच्चों पर कोई बहुत विशेष प्रभाव पड़ेगा अभी इस बात की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। तीसरी लहर में जरूर अब आशंका है कि बच्चों पर, लेकिन अभी भी इस बात पर बहुत गहन विचार विमर्श चल रहा है, क्योंकि अभी जो फिगर्स, दूसरी लहर की जो फिगर्स है उसमें ये देखा गया है बच्चों में केवल अगर 100 कोरोना के मरीज हैं तो केवल 10-12% ही बच्चों को प्रभावित किया है, जो वैज्ञानिक जो पुष्ट डेटा है। तो इसलिए ऐसा, तो ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रेन वही है, जैसे आपने आजकल बहुत जगह, चूंकि वहां से वो ओरिजिनेट हुआ ये बीज, इसलिए उसका नाम ऑक्सफोर्ड स्ट्रेन किया गया है। जी तो सर, क्या फिर बच्चों को, जैसे कि बड़ों का जब ये था कि ये ओल्ड एज में लोगों को ज्यादा ये अफेक्टेड डालेगा या यंगस्टर्स को डालेगा, अभी तो, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ ओल्ड एज के लोग थे, उसमें यंगस्टर्स नहीं थे या तो इसके मतलब है कि जो थर्ड वेव है उसमें भी कुछ लोग चपेट में बड़े भी आएंगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, और सर सर आपने, आपकी से हम लोगों को बहुत मालूमात हासिल हुई जिस चीज को हम लोग फेस कर रहे हैं, जो परेशानियां झेल रहे हैं, और उससे किस तरह से हमको प्रिकॉशन लेना है, प्रिकॉशन के साथ साथ ये हमारे बॉडी सिस्टम में किस तरह से इन्वॉल्व होकर हमको अफेक्टेड कर रहा है, इस पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और खास तौर से बनारस वाले, खास तौर से BHU वाले लोग बहुत खुश हैं आपको सुनकर, अनिल कुमार त्रिपाठी जी, वशिष्ठ नारायण, प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी, प्रोफेसर चंदकला त्रिपाठी जी और माथुर जी, ऐसे बहुत से लोग जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, नीलम मिश्रा जी जो बहुत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जिनका ताल्लुक है, एक उपाध्याय जी थे आज, उनको उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हमारे पढ़ने के टाइम आदिवेदी जी थे। तो इस तरह से एक तो आपके जो लाभप्रद बातें, और सेकंड ये कि जब हम अपनों को पाते हैं तो और खुश होते हैं। तो इस तरह के देखिए, नीलम मिश्रा जी बहुत बढ़िया जानकारी मिली, देखिए अभी मैंने नाम लिया ही था आपका कि आपके मैसेज भी आ गए। देखिए नीलम जी, नमस्ते नमस्ते, आप सबको बहुत नमस्कार, आप सब लोगों को, क्योंकि सर जब हम ऐसे अपनों से जब जानकारी लेते हैं तो बहुत दिनों के बाद देखने की अपनी एक खुशी होती है, वो भी आपके साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लोग खुश हो रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपसे बहुत जानकारियां मिली काशी। नमस्कार, मैं इसी के साथ अपने सभी दर्शकों से विदा लेती हूँ, और अगला प्रोग्राम हमारा कुछ इन्हीं चीजों पर होगा, क्योंकि आज जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, एडवाइस की जरूरत है, प्रिकॉशन की जरूरत है, और हमको सारी बातें मालूम हो तभी हम प्रिकॉशन ले पाएंगे, तभी उस पर हम जो हमारा जो फर्स्ट एड है, क्योंकि फौरन किसी को कुछ होते ही फौरन वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है, तो उसके पहले हमको क्या करना है, इस तरह की कम से कम हमारे पास जानकारियां होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा हम लोगों के लिए। तो इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए आप सबको मेरा आदाब और नमस्कार।